हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसाम इलेक्ट्रीशियन। मैं आज आपको दिखाऊंगा एक एमसीबी, एक स्विच और एक होल्डर का कनेक्शन किस तरह से होता है। चलिए पहले कनेक्शन को कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा वायर लिया है। तो पहले हम ये जो एमसीबी का जो लोड वाला टर्मिनल है वहाँ पर वायर को लगाएंगे। और यहाँ पे जो स्विच है, स्विच के जो ऊपर वाला टर्मिनल है वहाँ पे लगा देंगे। ये होल्डर का वायर है, ये जो रेड वाला वायर है इसको हम स्विच के जो नीचे वाला टर्मिनल है वहाँ पे लगा देंगे। और ये ब्लैक वाला वायर को हम बाद में कनेक्शन करेंगे। तो चलिए पहले इसका हम मेन लाइन कनेक्शन करते हैं। मैंने एक ठो वायर लिया है, एक रेड और एक ब्लैक। ये रेड वाला वायर है उसको हम एमसीबी का जो लाइन वाला टर्मिनल है वहाँ पे लगा देंगे। और ये जो मेन लाइन का ब्लैक है और ये जो होल्डर का ब्लैक है इसको हम एक साथ जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो चलिए अब हम इस बोर्ड को टेस्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक ठो बल्ब लगा लिया है होल्डर पे। तो ये मैंने एमसीबी को ऑन किया है, तो लाइट जल नहीं रहा है। अभी हम इस स्विच को ऑन करेंगे। तो देखिए लाइट जल रहा है। एमसीबी अगर ऑफ कर दूंगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएगा और ऑन करूंगा तो जल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।